अपन एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा शेयर क्या होता है और शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, फिर अपने को क्या करना है उसकी अकाउंटिंग समझना। तो ठीक है, तो आज की क्लास बोल सकते हैं इस चैप्टर के लिए एक इंट्रो क्लास है कि इसमें क्या क्या चीजें होती है सब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो क्या होता है, बिजनेस है ना, मेनली तीन टाइप से किए जाते हैं। एक तो जब एक पर्सन अपना खुद का पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है तो इस पर्सन को हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर बोलते हैं। और ये बिजनेस कैसा बिजनेस है? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जब एक आदमी का खुद का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा वो इसी का ही होगा। एक टाइप का बिजनेस होता है जहां पे दो चार लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अपने अपने घर से पैसा लेकर आते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इन लोगों को अपन बोलते हैं पार्टनर्स और ये बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। लेकिन एक टाइप का बिजनेस ऐसा होता है जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अपना जितनी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से पैसा लगाते हैं और एक बिजनेस करते हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो बिजनेस मिलके करते हैं तो इनको ये जो बिजनेस का जो स्टेटस, इसको बोलते हैं कंपनी बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? यहां पर जो इस आदमी का जो पैसा लगा हुआ है इसका, उसको बोलेंगे प्रोप्राइटर्स कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोप्राइटर्स कैपिटल। यहां पर जो इन लोगों का पैसा लगा हुआ है उसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। और यहां पर इतने लोगों का पैसा लगा हुआ है उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। अब यहां पे कैपिटल का नाम शेयर कैपिटल क्यों है, सुनो। मान लो अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं उसमें हम अभी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी की। कंपनी में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा रहता है तो वो जो कैपिटल लगा रहता है सबका, उस कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, सुनो। मान लो कंपनी है, उसका कैपिटल टोटल 1 करोड़ रुपए का है। कंपनी है, उसका कैपिटल कितने रुपए का है? 1 करोड़ का है। तो 1 करोड़ क्या किसी एक आदमी का लगा हुआ है क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों का लगा हुआ है। मान लो एक आदमी का इसका 50,000 लगा होगा, इसका 1 लाख रुपए लगा होगा, ठीक है, इसका 2 लाख लगा होगा। ऐसे अलग अलग आदमी का अलग अलग वहां पे अमाउंट डिपॉजिटेड है। ठीक है, तो इन लोगों का इकट्ठा होने के बाद इस कैपिटल में जाके वो जुड़ गया है। तो बताओ ये 1 करोड़ रुपए किसी एक का है कि सबका है? सबका है। और इसको शेयर करके इकट्ठा किए हैं ना उन लोग, इसको शेयर करके इकट्ठा किए हैं, इसलिए उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल, क्योंकि उसमें सबका शेयरिंग है। कैपिटल में सारे लोगों की शेयरिंग है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्लियर है? ये सिंपल सा मतलब है उसका, ये पूछेगा नहीं पेपर में अपने से, बस मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। अब 1 करोड़ रुपए है ना, मान लो कंपनी को पैसे की जरूरत है, इसको शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं वो मैंने बताया। ठीक है, अब उसके थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। मान लो आपको एक कंपनी ओपन करनी है, क्या ओपन करनी है? कंपनी। आपको इस कंपनी में बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? 1 करोड़। तो आप एज अ कंपनी क्या करोगे मालूम है? 1 करोड़ रुपए को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दोगे। मान लो 100-100 रुपए के टुकड़े में तोड़ दिए, कितने टुकड़े में तोड़ दिए? 100-100 रुपए के। तो 1 करोड़ / 100 करोगे तो कितना होता है? 1 लाख होता है। 1 करोड़ / 100 किए तो कितना आया? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। ये 1 करोड़ रुपए था ना, ये 1 करोड़ रुपए था। आपने एक एक शेयर को कितने कितने टुकड़े में तोड़ा? 100-100 रुपए। तो टोटल कितने टुकड़े हो गए? 1 लाख टुकड़े हो गए। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। क्या हो गई? वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ये है 100 रुपए फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। 100 रुपए को क्या बोलेंगे? 1 शेयर की फेस वैल्यू। ठीक है, 1 शेयर खरीदने जाओगे ना कंपनी से तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 100 रुपए। 10 शेयर खरीदोगे तो 100-100 के मल्टीपल में आपको उसको देना पड़ेगा पेमेंट। ठीक है, और टोटल 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी तो कंपनी ने उतने शेयर को कितने टुकड़ों में तोड़ के रखा हुआ है? 1 लाख टुकड़ों में तोड़ के रखा हुआ है।
क्लियर है मेरी बात। तो इस तरीके से कंपनियां क्या करती है, पैसे इकट्ठा करती है शेयर के माध्यम से, कि जितना कैपिटल है उसको पहले तोड़ देती है टुकड़ों में, उन टुकड़ों को ही क्या बोला जाता है शेयर्स, और वही शेयर लोगों को जितना पैसा देंगे उसके हिसाब से उनको उतने टुकड़े उतने शेयर्स मिल जाते हैं। क्लियर है? देखो अब कंपनी, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अब मान लो एक कंपनी है, उसको 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी, 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी, तो उसने क्या किया, 1 करोड़ रुपए को 100-100 रुपए के हिसाब से बांट दिया, तो टोटल कंपनी ने कितने शेयर बेचने के लिए या फिर इश्यू करने के लिए निकाले, 1 लाख। कंपनी ने 1 लाख शेयर जो है इश्यू करने के लिए निकाले, ठीक है, 1 लाख शेयर जैसे ही इश्यू हो जाएगा मतलब कंपनी के पास कितना रुपया आ जाएगा, 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इन इन शेयर को खरीदेगा कौन, लेगा कौन? जो आम आदमी है उन लोग, शेयर लेगा कौन, इन्वेस्टर्स, जो जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टर लोगों को रातों रात सपना आ जाएगा ना कि ये कंपनी जो है शेयर इशू करना चाहती है, तो चलो अपन क्या करते हैं, जाके शेयर में पैसा लगाते हैं, रातों रात सपना आ जाएगा इन लोगों को। तो कंपनी को शेयर इशू करना है तो इन लोगों को पता कैसे चलेगा, कंपनी क्या करेगी, कुछ ना कुछ माध्यम से या किसी ना किसी मीडियम से क्या करेगी, इन तक खबर पहुंचाएगी। क्लियर है? इन तक खबर पहुंचाएगी, जैसे बिजनेस के न्यूज चैनल्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस के न्यूज पेपर्स आते हैं, ठीक है, आप लोग भी कभी न्यूज वगैरह देखना तो कोई कोई कंपनी का आता है बीच बीच में कि ये कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है करके। क्लियर है? फिर जितने लोग भी शेयर में पैसा लगाते हैं ना, जैसे मैं एक डीमैट अकाउंट चला रहा हूँ, वहां पे ना एक सेक्शन होता है आईपीओ का, तो आप वहां पे जाओगे ना तो पता चलेगा भी कौन कौन सी कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है, आपको दिख जाएगा उसमें। क्लियर है? तो आईपीओ का आपको वहां पे सेक्शन दिखेगा। मेरा बोलने का मतलब है जिस भी माध्यम से आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए हो, तो कंपनी उस माध्यम से आपको क्या करवा देगी, खबर पहुंचा देगी कि हमको हमारा शेयर इशू करना है। क्लियर है? अब आपको पता तो चल गया कि ये कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड है कंपनी का नाम, मान लो कंपनी है एबीसी लिमिटेड नाम की, आपको पता तो चल गया, शेयर होल्डर्स लोगों को, इन्वेस्टर लोगों को पता तो चल गया कि ये कंपनी इशू करना चाह रही है, तो इन लोग आंख बंद करके, इन लोग आंख बंद करके पैसा लगा देंगे कंपनी के शेयर में? नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, इन लोग ग्रुप बना के जाएंगे इकट्ठा होके, चलो रे देख के आएंगे कंपनी क्या काम कर रही है, जाएंगे इकट्ठा होके, चलो देख के आएंगे क्या कर रही कंपनी काम, तो उसे सब समझ में आ जाएगा। बोलो, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी किसी के भी, कोई भी कंपनी में आपको पैसा लगाना है तो कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लोगे कि नहीं लोगे, तो जानकारी आपको प्राप्त कहां से होगी? इसके लिए जब कंपनी जब इशू करती है ना शेयर, तो एक डॉक्यूमेंट साथ में इशू करती है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है, जिसमें कंपनी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन रहती है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कब बनी, कंपनी में कौन कौन थे जिन्होंने कंपनी बनाया, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, कहाँ कहाँ बिजनेस करती है, कंपनी के क्लाइंट कितने हैं, फाइनेंशियल डेटा, नॉन फाइनेंशियल डेटा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो कोई भी अगर आदमी को पैसा लगाना है कंपनी में, तो कंपनी क्या करेगी, अपना प्रोस्पेक्टस उसको दे देगी, प्रोस्पेक्टस पढ़ेगा, स्टडी करेगा, उसको सब ठीक लगेगा, तो फिर कंपनी में पैसा लगा सकता है। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से लोगों को पता चलता है। अब ये जो लोग है, ये लोग, इनको पता तो चल गया ये कंपनी है शेयर इशू करना चाह रही है, इन लोगों ने कंपनी के बारे में जानकारी भी ले ली कि कंपनी अच्छी है, अच्छा बिजनेस कर रही है, इसमें हम पैसा लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे। तो अब इन लोगों को शेयर में पैसा लगाना है, अब इन लोगों को क्या कर रहे हैं, शेयर में पैसा लगाना है। तो कैसे करेंगे लोग पैसा लगाने के लिए, कैसे लगाएंगे पैसा, गूगल पे मार देंगे और उन लोग ऐसे झिल्ली में भर के शेयर को दे देंगे, कुछ ना कुछ एक प्रोसेस होगी प्रॉपर। तो कंपनी क्या करती है, जब शेयर इशू करना रहता है ना, तो अपनी जानकारी देने के लिए क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, साथ में
कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म भी इशू करती है। कंपनी क्या करती है साथ में, एप्लीकेशन फॉर्म भी इशू करती है। एक एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ना, इसमें जो शेयर लेना चाहता है वो पूरा अपना डिटेल लिखेगा और ले जाके कंपनी को ले जाके जमा कर देगा। तो एप्लीकेशन का फॉर्म जब जमा करेगा ना, तो उसके साथ कुछ पैसे भी देने पड़ते, तभी तो कंफर्म होगा कि हाँ भाई ये शेयर लेना चाहता है। खाली फॉर्म रख के क्या करेगी कंपनी, है कि नहीं? तो एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा भी वो सामने वाला कंपनी को देता है। क्लियर है? अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गए, बहुत सारे लोगों के आ गए। अब कंपनी को टोटल कितने शेयर इशू करने हैं, 1,00,000। वो पूरा एप्लीकेशन को फाइनल करेगी, देखने के बाद फाइनल करेगी मतलब चेक वेक करेगी, और कंपनी क्या कर देगी उन लोगों को शेयर अलॉट कर देगी। क्या कर देगी? अलॉट कर देगी। ये प्रोसेस होता है शेयर का, जब किसी कंपनी को शेयर इशू करना रहता है, ठीक है। लेकिन ये सारा काम आजकल ऑनलाइन हो गया है, मैनुअली कुछ नहीं होता है। ये जितना भी काम है ना, ये सब ऑनलाइन हो चुका है, मैनुअली कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहले के जमाने में होता था। अब कंपनी जो है शेयर इशू करना चाहती है, इन लोग पैसा भी लगा दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दी, कंपनी ने इनको शेयर भी दे दिया। अब आगे क्या करेगी कंपनी? जो भी कंपनी, अब कंपनी के पास जब पैसा आ गया ना, तो पैसे को कंपनी रख लेगी अपने पास, और उस पैसे से क्या करेगी, बिजनेस करेगी। बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा, कंपनी जिनका पैसा लगा हुआ है ना, उनको क्या बांटेगी मालूम है? डिविडेंड। क्या बांटेगी? डिविडेंड, हिंदी में बोलते लाभांश, ठीक है। डिविडेंड बांटेगी, डिविडेंड इन लोगों की कमाई है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जो आदमी शेयर में पैसा लगा दिया, इन लोग शेयर में पैसा लगाए, तो कंपनी अब क्या करेगी, इनको साल भर, साल दर साल जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएगी, इनको डिविडेंड मिलते जाएगा। अब किस कोई एक आदमी है मान लो ये वाला, इसको अपना पैसा वापस चाहिए, इसको क्या चाहिए, अपना पैसा वापस चाहिए, तो कंपनी के पास जाके पैसा वापस नहीं मांग सकता, क्योंकि तो कंपनी चल रही है, कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा है कि जब आपकी मर्जी आई पैसा डाल दो, जब आपकी मर्जी आई तो पैसा निकाल लो, है ना। अब इस आदमी को अगर पैसा चाहिए, इसको भी अर्जेंट है, इसको पैसा चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके पास जो शेयर्स है ना, वो किसी दूसरे बंदे को बेच देगा और उस आदमी से पैसा ये खुद रख लेगा। कंपनी कभी पैसा वापस नहीं करेगी, कंपनी इसको कभी भी पैसा वापस नहीं करेगी। अब कंपनी की जवाबदारी क्या है, पहले जो आदमी के पास शेयर था, तो पहले मान लो इसका नाम मिस्टर एक्स था, इसको पैसे की जरूरत थी, इसने अपना शेयर मिस्टर वाई को बेच दिया, तो मिस्टर वाई को बेच दिया ना, तो कंपनी क्या करेगी, अपने रिकॉर्ड्स में मिस्टर एक्स का नाम को काट देगी और उसके बदले किसका नाम लिख देगी, वाई का नाम लिख देगी। क्लियर है? लेकिन कंपनी के पास पैसा पड़ा ही रहेगा, वो वापस कभी नहीं करेगी, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक पैसा वापस नहीं होता है। क्लियर है? चलो देखो अब आगे। हाँ, लॉस भी हो सकता है, वो कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो है 1,00,000 शेयर इशू करना चाह रही है, तो लोगों को लगाना है उस कंपनी के शेयर में पैसा, तो लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे कि नहीं भरेंगे? ठीक है, एप्लीकेशन भरेंगे। एप्लीकेशन भरने के बाद कंपनी क्या करेगी, इन लोगों को शेयर दे देगी। तो कंपनी अपने शेयर दो तरीके से इशू करती है। कंपनी अपने शेयर कितने तरीके से इशू करती है, दो तरीके से। एक करती है लमसम पे, एक करती है लमसम पे, मतलब पैसा दो तरीके से मंगवाती है शेयर का, एक मंगवाती है लमसम में। और दूसरा मंगवाती है इंस्टॉलमेंट। मतलब यह है कि कंपनी का एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने के थे, 1,00,000। तो कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपया पूरा एक बार में किसी से नहीं मंगवा रही है। कंपनी बोलती है जब आप लोग एप्लीकेशन भरोगे ना, जब आप लोग क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तब आप करना एक काम, 30 रुपए दे देना। टोटल कंपनी को मंगाना है कितना, 100। एप्लीकेशन जब भरोगे तो सिर्फ कितना रुपए देना, 30। जब अलॉटमेंट करेंगे हम शेयर का,
तब आप हमको कितना रुपए देना, 50। फिर टोटल अभी कितना रुपए मंगवा डाली कंपनी, 80 रुपए मंगवा डाली, और मंगवाना कितना था, 100। जब हम कॉल करेंगे, कॉल कॉल करेंगे मतलब पैसा और मंगवाएंगे, तब आप बचा हुआ पैसा और दे देना। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है शेयर का, कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे, कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे, और कुछ पैसा कॉल के टाइम पे। ऐसे करके वो पूरा कंप्लीट करती है अपने 100 रुपए को। मतलब ये 100 रुपए क्या है, कंपनी का, इसको क्या नाम बताया था मैं, फेस वैल्यू। इसको नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी कंपनी को कंझट नहीं पालना है, कंपनी बोलती है एक काम करो, पूरा पैसा हमको एक बार में दे दो, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन जब भरोगे ना, तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही हम आपको क्या कर देंगे, अलॉटमेंट भी कर देंगे, पूरा पैसा हमको एक बार में चाहिए, हम चिल्लर चिल्लर लफड़ा नहीं पालेंगे। तो कंपनी कभी कभी क्या करती है, लमसम पे इशू कर देती है शेयर, लमसम मतलब एक मुश्त पैसा मंगवा लेती है। तो दो तरीके से कंपनी पैसा मंगवा सकती है, कैसे मंगवा सकती है, लमसम पे और इंस्टॉलमेंट में। जब आपके बुक के क्वेश्चंस बनाने की बात आएगी ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसके हैं, इंस्टॉलमेंट के। मतलब 100 क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो आपको 90 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंस्टॉलमेंट के, और 10 क्वेश्चन किसको देखने को मिलेंगे, लमसम के। तो सिलेबस वाइज अगर बोलोगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बनाना है, क्लियर है। चलो, ये तो हो गया पैसा मंगवाने का तरीका, मोड ऑफ पेमेंट। ये क्या है, मोड ऑफ पेमेंट। कि कंपनी जो है पैसा मंगवाती कैसे है। दूसरा, कंपनी जब शेयर का पैसा मंगवाती है ना, तो 3 तरीके से मंगवा सकती है, या 3 तरीके से शेयर इशू होते हैं, टाइप्स ऑफ इशू बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ इशू। टाइप्स ऑफ इशू एक होता है एट पार, एट प्रीमियम, और एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पार का मतलब यह होता है 100 रुपए का एक शेयर था, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही कंपनी इशू कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे, एट पार। पार मतलब बराबर, 100 का शेयर 100 में। एट प्रीमियम मतलब 100 का शेयर 120 में, मतलब रेट बढ़ा के इशू कर रही है, तो ऊपर का जो 20 रुपए आ रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम। और एक होता है रेट कम में, 100 का शेयर 80 में, तो जो कम दे रही है उसको बोलेंगे डिस्काउंट। लेकिन ये अलाउड है कंपनी के लिए, क्या अलाउड है, पार पे इशू करना अलाउड है कंपनी के लिए, प्रीमियम पर भी इशू करना अलाउड है, लेकिन डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है। कंपनी एक्ट 1956 जब था ना, पुराना वाला, अभी आप लोग कंपनी एक्ट 2013 पढ़ रहे हो, ठीक है, कंपनी एक्ट 1956 था ना, तो ये भी अलाउड था, ये भी अलाउड था कि डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी एक्ट 2013 आया, कंपनी एक्ट 2013 आया, तो ये क्या हो गया, अभी अलाउड नहीं है। इतनी बात समझ में आई, चलो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, शेयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेश, एक होता है फॉरफिटेड। इसको बोलेंगे फर्स्ट हैंड शेयर, इसको बोलेंगे सेकेंड हैंड शेयर। फर्स्ट हैंड शेयर मतलब फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदते हो, मतलब क्या है, नया गाड़ी खरीद रहे हो, और सेकेंड हैंड मतलब कोई और चला रहा था, उसके बाद अब आप चला रहे हो। अगर कंपनी फ्रेश शेयर इशू करती है, फर्स्ट हैंड शेयर इशू करती है, तो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है।
लेकिन अगर कंपनी सेकेंड हैंड शेयर इशू कर रही है, मतलब जो शेयर फॉरफिट हो चुका है, फॉरफिट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, कंपनी क्या करती है किसी किसी का शेयर जब्त कर लेती है। मान लो आपके पास शेयर था 100, आप आधा पैसा दिए कंपनी को, आधा पैसा नहीं दिए, तो जितना आधा दिए थे ना आगे आधा नहीं दे रहे हो, तो कंपनी क्या करेगी आपके शेयर को पूरा फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, और वो शेयर लेके आपसे वापस वो किसी और को इशू कर देगी, तो उसको बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर। तो सेकेंड हैंड शेयर हो गया, तो सेकेंड हैंड शेयर अलाउड है डिस्काउंट पे, फर्स्ट हैंड शेयर अलाउड नहीं है। इतनी बात समझ में आई? तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के नाम से। मैं बताया आप लोगों को कि शेयर किसको बोलते हैं, कि कंपनी क्या करती है अपने कैपिटल को टुकड़े टुकड़े में बांट देती है, तो टुकड़े टुकड़े में बांटने के बाद वो छोटे छोटे जो टुकड़े बन जाते हैं कैपिटल के, उसी को क्या बोलते हैं शेयर। फिर लोग क्या करते हैं, उसी शेयर को खरीदते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, फिर कंपनी क्या करती है समय समय में उनको उसके बदले क्या देती है, डिविडेंड देती है। सामने वाले को कंपनी के बारे में पूरा पता चल जाए, पूरी जानकारी मिल जाए, उसके लिए कंपनी क्या इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस। और लोगों को कंपनी में पैसा लगाना रहता है तो क्या करेगी, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट, कंपनी शेयर का पैसा दो तरीके से मंगवा सकती है, एक तो लमसम और दूसरा इंस्टॉलमेंट। लमसम मतलब एक बार में पूरा पैसा मंगवा लेना, और इंस्टॉलमेंट मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके। ठीक है, ये जरूरी नहीं मैं यहाँ पे तीन लिखा हूं, कंपनी चार बार करके भी मंगवा सकती है, पांच बार करके भी मंगवा सकती है, डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। ये तो मैं समझाने के लिए बस तीन टुकड़े में बांटा हूं। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो देखने को मिलेगा ही हमेशा। कॉल को तीन बार में बांट सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। कॉल को दो बार में बांट सकती है, फर्स्ट और फाइनल कॉल। कॉल को एक ही बार में भी रख सकती है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल करके। ये जो कॉल है ना, इसको दो तीन टुकड़े में बांट सकती है कंपनी, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, अपने को अपने मन से नहीं लेना है। फिर कंपनी शेयर को अलग अलग टाइप से इशू कर सकती है, एट पार पे, एट पार मतलब जितने का शेयर है उतने पे, एट प्रीमियम मतलब जितने का है उसे थोड़ा बढ़ा के, बढ़ी हुई अमाउंट को ही प्रीमियम बोलते हैं, और एट डिस्काउंट पे। लेकिन डिस्काउंट के अंदर केस ये है कि जो फ्रेश शेयर इशू कर रही है कंपनी तो उसको डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, जब सेकेंड हैंड फॉरफिटेड शेयर मतलब सेकेंड हैंड शेयर इशू कर रही है तो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप ऑफ इशू। चलो सबसे पहले शेयर कैपिटल की आप लोग और डिटेल में जानकारी लो। शेयर कैपिटल, शेयर दो टाइप के होते हैं। शेयर नॉर्मली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रिफरेंस शेयर। शेयर दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रिफरेंस शेयर। दर्द दे दिया क्या इधर बैठे बैठे, इसको एक काम करो ना, ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर लो बेंच पे, या फिर वहां बैठ जाओ ना पीछे, वो भी तो अकेला है दीपांशु, वहां बैठ जाओ, वहां वो तो बेंच खाली है ना, बैठ सकते हो ना यार वहां पे। ठीक है, तो शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, वही कंपनी के मेन मालिक होते हैं। प्रिफरेंस शेयर तो मेहमान टाइप के रहते हैं कंपनी में, मेन मालिक और मेहमान मतलब, मतलब जो मेन जो पैसा लगा रहता है ना लोगों का, वो किस में लगा रहता है, इक्विटी में। कंपनी में कुछ भी होता है ना तो वोट सिस्टम होता है, वोट मतलब कंपनी में बड़ा कोई भी फैसला करना रहता है तो वोटिंग होती है, वोटिंग, वोटिंग के बेस पे ही डिसाइड किया जाता है कि कौन कितना, मतलब कंपनी क्या क्या काम कर सकती है और क्या क्या काम नहीं कर सकती है। तो इक्विटी शेयर को ही वोटिंग राइट होती है, प्रिफरेंस शेयर वाले वोट नहीं दे सकते। क्लियर है? चलो, तो मैं आप लोगों को बता रहा था दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रिफरेंस। शेयर कैपिटल के अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एक नाम, ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या देखने को मिलेगा? ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसको बोलेंगे अधिकृत पूंजी। क्या बोलेंगे इसको? अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या होता है इसका मतलब, देखो क्या होता है, सुनो। मान लो आपको कोई कंपनी बनानी है, क्या बनानी है, कंपनी। अब कंपनी बना रहे तो क्या, एक तो दुकान किराए में लिए, मस्त कलर वलर करा दी, कंपनी बन गई, बोलोगे ऊपर लिख दे शेखर एंड कंपनी, क्या कंपनी बन जाएगी?
नहीं ऐसा नहीं होता है। कंपनी बनाने के लिए प्रॉपर उसका एक है ना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कहां पर कराओगे रजिस्ट्रेशन? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराओगे। ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सब कहानी के टाइप में आपके सामने आएगा। और अगर आपने ये चीज को नहीं समझा है, नहीं सुना है, तो क्वेश्चन से आप रिलेट नहीं कर पाओगे चीजों को। मतलब आपको लगेगा ही नहीं इसकी क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है भाई। क्वेश्चन सॉल्व करना कब आपके लिए पॉसिबल होगा? जब आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, है ना। और क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, ये सारी बातें लिखे रहती है, थोड़ा इस कैपिटल दिखेगा आपको क्वेश्चन में, इन चीजों का मतलब ही नहीं पता रहेगा, तो क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत दूर की बात है फिर, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान से समझना। जब कंपनी बनती है तो कंपनी को क्या करवाना पड़ता है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तभी कंपनी बनती है, नहीं तो नहीं बनेगी। रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी के पास। तो कंपनी जब रजिस्टर होती है ना, तो कंपनी को कुछ कुछ कागज जमा करना पड़ता है। कंपनी के पास क्या जमा करना पड़ता है? कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है एमओए और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है एओए। तो अभी हम एओए की बात नहीं कर रहे हैं। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है ये डॉक्यूमेंट? कौन सबमिट करता है? कंपनी सबमिट करती है किसके पास? आरओसी के पास। इसके अंदर ये लिखा रहता है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कहां पे, उसका एड्रेस, हेड ऑफिस का एड्रेस सिचुएटेड है, कंपनी क्या क्या बिजनेस करेगी, कंपनी में कितना रुपया कैपिटल लगा है, क्या लगा है, कैपिटल लगा है या लगेगा, वो भी लिखा रहता है कहां पे? एमओए में। कंपनी के स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर्स कौन है? सब्सक्राइबर मतलब होता है कि स्टार्टिंग में कौन कौन कंपनी में पैसा लगा रहा है बनते समय, ठीक है। मेन लोग, मतलब कंपनी के मेन लोग कौन है? सब्सक्राइबर मतलब मेन लोग। तो कुछ कुछ बातें है ना कंपनी में, ये एमओए में लिखा रहता है। एमओए में ये भी लिखा रहता है, मैं बताया था कंपनी कितना रुपए लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, या फिर कंपनी की कैपिटल कितने रुपए की होगी। तो जब कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल लिख के देती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, किसके पास? आरओसी के पास, कि हमारी कैपिटल 1 करोड़ रुपए रहेगी, इसमें इतना प्रेफरेंस शेयर है, इतना इक्विटी शेयर है, ये सब लिखा रहता है। तो उसी कैपिटल को बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कंपनी जो है वो बता देती है आरओसी को कि हमारी कैपिटल इतने की रहेगी। मान लो 1 करोड़ रुपए कैपिटल है अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल। अब जरूरी नहीं कि कंपनी बता दी कि अथोराइज्ड कैपिटल इतने का, तो कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए उतने उस समय। सारी बात समझ में? अरे भाई आप लोग कभी भी कुछ भी करने जाते हो, जैसे स्कूल में जब पढ़ते थे तो ड्रेस सिलवाते थे, तो एक आध थोड़ा बहुत ढीला सिलवाते थे, बढ़ता बच्चा है, अगर फिटिंग का सिलवा लिए 11वीं में हो, 12वीं में मोटे हो गए, तो फिर तो थोड़ा सा छोड़ के चलते थे कि नहीं, ताकि बच्चा बड़ा हो रहा है तो ड्रेस काम आ जाए आगे चल के। तो वैसे ही कंपनी जब क्या करती है, जब रजिस्ट्रेशन करवाती है ना, तो कैपिटल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता देती है, ताकि बाद में और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फिर एमओए को चेंज करने का प्रोसेस लगाओ, है ना। तो कौन करते रहेगा, इसलिए कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग में ही ज्यादा बता दे रहती है कि हमारा कैपिटल इतना रहेगा, फिर बाद में क्या करती कंपनी उसको उसके हिसाब से फिर इशू करती। जरूरी नहीं कि जितना अथोराइज कैपिटल है कंपनी को उतना ही इशू करना पड़ेगा। अथोराइज कैपिटल का मतलब मैंने क्या बताया, इतना पैसा कंपनी के पास है नहीं, फिर भी रजिस्ट्रेशन के समय बताना पड़ता है आरओसी को कि कितने का हम कैपिटल रखेंगे, बताना बस पड़ता है, कागज में भरना पड़ता है। जैसे आप लोग कोई फॉर्म भरते तो पूछते ना पप्पा की इनकम कितनी है, पेरेंट की इनकम कितनी, पूछते हैं कि नहीं, भले एक्चुअल जो भी होगी आप लिख देते हो 10 लाख रुपए, तो क्या 10 लाख रुपए वहां लिख दिए मतलब एक्चुअल में है क्या उतनी? नहीं। तो कंपनी भी क्या करती है, अथोराइज कैपिटल है ना, लिख बस देती कि इतनी होगी हमारी, क्लियर है। अब अथोराइज कैपिटल के बाद आपको देखने को मिलेगा अगला इशूड कैपिटल। अगला क्या है? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं निर्गमित पूंजी।
इशूड कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्गमित पूंजी। मान लो कंपनी, अभी मैंने एग्जांपल दिया ऊपर में, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितने का था, 1 करोड़। कंपनी पूरा 1 करोड़ का इशू नहीं कर रही, कंपनी क्या कर रही है, इसमें से मात्र 50 लाख का शेयर इशू करी है। कितने का शेयर इशू करी है, 50 लाख का। तो इशूड कैपिटल की अगर बात करूं तो कितना आ जाएगा, 50 लाख, लेकिन ऑथराइज कैपिटल की बात करूं तो 1 करोड़ रुपए। ठीक है, मान लो यहां पर 1 करोड़ रुपए है और कंपनी के कैपिटल में सिर्फ इक्विटी शेयर है 1 लाख रुपए वाला, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर का। ठीक है, ये समझ में आया क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर है 1 लाख शेयर है और ₹100 वाला 1 शेयर है, और तो कंपनी इशू कर दी है 50 लाख का, मतलब 50,000 शेयर इंटू ₹100 करके इशू कर डाली है 50 लाख का। इशू करिए, इशू करना मतलब लोगों को बताना कि हमारी कंपनी को इतने रुपए की जरूरत है तो हम इतना शेयर इशू करना चाहते हैं। कभी भी कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर, कम कर सकती है, बराबर भी कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकती। और ज्यादा करना है तो उसको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करवाना पड़ेगा, बढ़वाना पड़ेगा उसमें, क्लियर है। तो वैसे ही कंपनी इशू कम भी कर सकती है, बराबर भी कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकती ऑथराइज से। तो कंपनी इस केस में अभी कितना इशू कर रही है, 50 लाख। 50 लाख कैसे आया, 50,000 इक्विटी शेयर है, कितने वाला, 100 वाला, तो 50 लाख का। अब तीसरा आपको देखने को मिलेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगला नाम क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए थे, लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किए, आई बात समझ में। कंपनी ने इशू तो किए 50,000, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने के किए, जितने लोगों ने अप्लाई किया मतलब सब्सक्राइब किया कैपिटल के लिए, उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मान लो कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने सिर्फ 40,000 के लिए ही अप्लाई किया, तो बाकी का 10,000 खाली रह गया। तो यहां पर मैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करूं तो कितना शेयर आएगा, 40,000 × 100, 40 लाख। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जितना कंपनी इशू करी है ना, कभी कभी कंपनी क्या करी है, जितना इशू करी है उसी के बराबर का शेयर एप्लीकेशन आ जाता है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है मालूम है, 50,000 शेयर इशू करी है, सॉरी गलत लिख रहा हूं, मान लो कंपनी ने जितना इशू किया है उसके बराबर का ही एप्लीकेशन आ गया, तो इशूड और सब्सक्राइब बराबर बराबर हो गया। कभी कभी क्या होता है, कंपनी जितना शेयर इशू करी है उसके कम के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, उससे कम के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, तो जितना कम के लिए आया ना एप्लीकेशन उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर कभी कभी 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, इशू करी थी 50 का लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया, 70 का, तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये आगे हम देखेंगे इसको। तो मैं अभी तक आप लोगों से 3 टाइप के कैपिटल के बारे में डील किया। पहला था ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय कंपनी जितना बताती है आरओसी को वही कैपिटल क्या हो जाता है, ऑथराइज कैपिटल हो जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। दूसरा होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब कंपनी कितना इशू कर रही है, और इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इशूड कैपिटल के बाद कंपनी में लोग पैसा लगाना चालू करते हैं, तो जितने के लिए पैसा लगा दिए तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद चौथे नंबर पर आप लोग देखोगे पेड अप कैपिटल, कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था मैं, कंपनी जो है मोड ऑफ पेमेंट जो होता है शेयर का कैसे रहता है, लमसम बे और इंस्टॉलमेंट में। तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, 100 रुपए का शेयर है मान लो, 100 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और कॉल पे,
एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे और कॉल पे, एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 50 रुपए, कॉल पे 20 रुपए मंगवाएगी। लेकिन अभी तक कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही पैसा मंगवाया है, कॉल का पैसा भी कंपनी ने बोला ही नहीं अभी लोगों को ला के दो। तो ये वाला जो है 100 में से 80 रुपए मंगवा लिए तो ये क्या बन जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, इतना कंपनी ने मंगवा लिया है और लोगों ने भी इतना कंपनी में पैसा दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। कंपनी ने जितना मंगवाया और जितना दे दिया, कंपनी ने जो पैसा मंगवाया ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। जो पोर्शन पैसा, जो पोर्शन का पैसा कंपनी ने मंगवा लिया है उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल, और जिस पोर्शन का पैसा कंपनी ने नहीं मंगवाया उसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। ये हमेशा लमसम वाले केस में नहीं होता है, ये हमेशा इंस्टॉलमेंट वाले केस में होता है ऐसा। क्लियर है? तो इसके बाद मैंने आप लोगों को पांचवें नंबर का भी बता ही दिया लगे हाथ, अनकॉल्ड कैपिटल। तो पांच तरीके से कैपिटल आपको देखने को मिलेगी, एक होगी क्या, ऑथराइज्ड, दूसरी इशू, तीसरा सब्सक्राइब, कॉल्ड एंड पेड अप और अनकॉल्ड कैपिटल। क्लियर है? चलो इसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया, अंडर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डिटेल में तो देखेंगे हम, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर के लिए पहले आप लोगों को दो चीज समझना पड़ेगा, एक कॉल इन एडवांस और एक होता है कॉल इन। फॉरफीचर का रिलेशन कॉल इन एरियर्स से, कॉल इन एडवांस से नहीं है। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कंपनी ने अभी पैसा मंगवाया है भी नहीं है लेकिन सामने वाले ने पहले से ला के दे दिया पैसा। कंपनी ने अभी पैसा मंगवाया ही नहीं है, कंपनी ने पैसा मंगवाया ही नहीं है, सामने वाला पहले से ला के दे दिया कंपनी को, तो जो एक्स्ट्रा पैसा पहले से एडवांस में मिल गया कंपनी को उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एरियर मतलब कंपनी ने बोल दिया है लेकिन सामने वाले ने अभी तक नहीं दिया है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉल इन एरियर। अब कंपनी जो है पैसा मंगवाई, सामने वाला नहीं दे रहा है, फिर मंगवाई फिर नहीं दिया, मौका देते हैं और नहीं दे रहा है सामने वाला, तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर को फॉरफिट कर लेगी। क्या कर लेगी, फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना, मतलब जो आदमी है आधा पैसा दिया होगा कंपनी को, आधा पैसा नहीं दिया होगा, तो जितना दे के रखा है ना उसको कंपनी अंदर कर लेगी, रख लेगी पैसा, शेयर भी नहीं वापस ले लेगी उससे और पैसा भी रख लेगी कंपनी। और ये फॉरफिट किया हुआ शेयर कंपनी फिर बाद में लास्ट में क्या करती है, रीइशू करती है। क्या करती है, इसको रीइशू कर देती है मार्केट में। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक आप लोगों से डिस्कस करी है उसकी हमको अकाउंटिंग सीखना है। अकाउंटिंग का मतलब सीधा सा है भाई, जर्नल एंट्री करना है और कभी कभी बैलेंस शीट बना के बोल देगा तो बैलेंस शीट बनाना है। क्लियर है? ये हो गया आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कितने टाइप के होते हैं शेखर? दो टाइप के, ठीक है, कौन कौन से? कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं? आप बोलो दीपांशु। कंपनी के शेयर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर। ठीक, इक्विटी शेयर मालिक, हाँ, कंपनी के मेन मालिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विटी शेयर। सिद्धेश, कंपनी जो शेयर का पैसा मंगवा सकती है उसके दो मोड ऑफ पेमेंट होते हैं, क्या क्या? लमसम और इंस्टॉलमेंट। ठीक, चलो एक कॉन्सेप्ट और है, अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ना चैप्टर का, मैं पढ़ाना चालू नहीं किया, मैं इंट्रो क्लास में बोला था आज पहले, इंट्रो मतलब चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। कभी कभी क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, कंपनी ने अपने सप्लायर से
सप्लायर या फिर किसी से एक मशीन खरीद ली, क्या खरीद ली है, मशीन। मान लो मशीन 10 लाख की है, तो मशीन खरीदे तो कंपनी को पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं, उसको देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी जिससे खरीद रही ना मशीन, उससे एक ऐसा एग्रीमेंट कर ली कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको अपनी कंपनी का क्या दे देते हैं, शेयर दे देते। कंपनी बिल्डिंग खरीद ली, पैसा नहीं दी, बोल दी शेयर रख लो हमारे कंपनी का, सामने वाला एग्री भी हो जा रहा है। कंपनी किसी से कोई सर्विस ली और उसके बदले क्या दे दी, अपना शेयर दे दी। तो इस तरीके का अगर कंपनी कोई ट्रांजेक्शन कर रही है कि भाई शेयर इशू कर दे रही है कोई एसेट या कोई सर्विस के बदले, तो उसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, कि कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है कैश के बदले, इसके बदले कैश के बदले, हाँ कैश के बदले इशू कर रही है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है सुनो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लो कंपनी है वो 1 लाख शेयर इशू कर रही है। कंपनी के पास एप्लीकेशन 3 तरीके से आ सकते हैं, या तो 1 लाख इशू करी तो 1 लाख के लिए एप्लीकेशन आया, कंपनी ने 1 लाख शेयर के लिए इशू किया तो 80,000 का ही एप्लीकेशन आया। कभी कभी क्या होता है, कंपनी शेयर जितना इशू कर रही है ना उससे ज्यादा का एप्लीकेशन आ जाता है, तो जब कम का एप्लीकेशन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, और जब ज्यादा का आता है तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो कंपनी के पास है ना 3 ऑप्शन आ जाते हैं, कंपनी के पास क्या आ जाते हैं, 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन रहता है कंपनी के पास कि जितने लोगों ने एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई किया ना उनको रिफंड कर दो, रिजेक्ट कर दो, क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, उनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो और उनसे जो पैसा आया उसको क्या कर दो, वापस कर दो। ये एक तरीका है। दूसरा होता है जो आदमी जितने शेयर के लिए अप्लाई किया ना उसको उतना मत दो, कम दो, कोई 15 बोल रहा है तो उसको 10 दो, कोई 20 बोल रहा है तो उसको 15 दो, जिससे 1.5 लाख के लिए एप्लीकेशन आया है ना उसको हम कवर कर लेंगे, जितना मांग रहे उतना मत दो, कम दे दो, तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और सब कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। और तीसरा होता है इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, जितना शेयर है उससे कम देना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। और तीसरा होता है बोथ, बोथ मतलब कुछ शेयर को रिजेक्ट कर दो और कुछ को क्या कर दो, प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दो। तो ये है ओवरव्यू इस चैप्टर का। हम मंडे से अगली क्लास से इसके आगे की अकाउंटिंग के ऊपर जाएंगे। ठीक है, बोथ मतलब भाई किसी को पैसा वापस कर दो, नहीं है सेम, अलग अलग है। 1.5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, 20 को निपटा दो, 20 को दो ही मत, और बचा फिर ऊपर का 30, 1,30,000 शेयर बचा तो 1,30,000 वालों को 1 लाख शेयर दे दो, ऐसे मिक्स काम करना है। ठीक है, तो इसके आगे की अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन है मैं आप लोगों से मंडे की क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो क्लास ओवर।